तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसमें एक प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, दैट हाउ टू बिकम अ सिस्टम इंजीनियर या सिस्टम एडमिन। तो उसके रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्यूचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है फर्स्ट पॉइंट कि आपके पास कोई एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए टेक्निकल, लाइक कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सिस्टम इंजीनियरिंग की कोई एक ऐसी आपके पास डिग्री ग्रेजुएट होना चाहिए। मास्टर अगर आपके पास है वो बेटर है, बट वो एक ऑप्शनल है। इसमें पहला पॉइंट है रिक्वायरमेंट में सिस्टम एंड डिज़ाइन। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टम आप डिज़ाइन कैसे करते हो, कॉम्प्लेक्स इश्यूज वगैरह आते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हो, तो ये आता है सिस्टम डिज़ाइन में। दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक नेटवर्क। बेसिक नेटवर्क इन द सेंस कि आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत सबनेटिंग के बारे में पता होना चाहिए, आईपीज वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। तो ये बेसिक जो सीसीएनए होता है या अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्क, वो आपके पास होनी चाहिए। तो थर्ड पॉइंट है नॉलेज ऑफ विंडोज प्लेटफॉर्म, या आप कह लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, तो इनका भी आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कि आपका MySQL हो जाता है, SQL वगैरह हो गया, पावर BI हो गया। तो जितने भी डेटा मैनेजमेंट के टूल हैं उसके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। एंड फिफ्थ पॉइंट है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको, इतना नहीं कि आपको पूरा उसमें मास्टर होना, एकदम ब्रह्मांड का नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ पता होना चाहिए कि क्लाउड स्ट्रक्चर जो होता है वो एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, वो चाहे आपका गूगल क्लाउड हो, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर क्लाउड हो या AWS का क्लाउड हो, तो इनके प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी हालांकि इस प्रोफाइल में इतना यूज है नहीं, बट एज अ पर्सनल और प्रोफेशनल आपको थोड़ा बहुत IT सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए। एंड बात कर रहे हैं सॉफ्ट स्किल, तो सॉफ्ट स्किल में आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपका एटलीस्ट 50% होना चाहिए, ताकि आप मेल लिख पाओ, रिटन कम्युनिकेशन एंड दी सॉफ्ट कम्युनिकेशन या वर्बल कम्युनिकेशन आपका एटलीस्ट 50% होना ही चाहिए एक सिस्टम इंजीनियर बनने के लिए। एंड सर्टिफिकेशन आपके लिए ऑप्शनल होते हैं, बट अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो एक आपके लिए बेनिफिट ऐड करता है, या कह लो आपके लिए एक एडवांटेज ऐड करता है, वो चाहे AWS का हो, CCNA का हो, या MCSA का हो, या लाइनक्स का हो, तो वो एक सर्टिफिकेट आपके लिए एक एडवांटेज ऐड करेगा अगर आपके पास है, बट ये ऑप्शनल है। एंड अब बात करते हैं एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस में क्या होता है, बेसिकली आप कोई एंट्री लेवल की जॉब आप यहाँ पे कर सकते हो, वो हो सकता है IT सपोर्ट का होगा, हो सकता है डेस्कटॉप सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, या CCNA की जो बेसिक प्रोफाइल होती है, तो वो आपका एक एंट्री लेवल जॉब हुआ। और जैसे ही आपको 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, आप इजिली सिस्टम इंजीनियर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। तो ये इसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट थी एंड सॉफ्ट स्किल, इंक्लूडिंग आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। एंड देखो, अब इसकी फ्यूचर की बात करें तो सिस्टम इंजीनियर का फ्यूचर पास्ट में भी था और आगे भी रहेगा, क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो कभी नहीं खत्म होने वाली हैं, जैसे कि आपका AWS क्लाउड हो गया, लाइनक्स हो गया, सिस्टम इंजीनियरिंग की प्रोफाइल हो गई, डेस्कटॉप सपोर्ट की प्रोफाइल हो गई। तो ये ऐसी कुछ प्रोफाइल हैं IT में जो कि अगले 100, 200, 300 साल तक खत्म नहीं होने वाली, कितना भी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में आ जाए, तो ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। और सैलरी भी अच्छी खासी इनकी होती है जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है। मान लो आपने 2 साल डेस्कटॉप सपोर्ट में किया एंड इसके बाद सिस्टम इंजीनियर बने, तो नॉर्मली आपका 10 लाख 12 लाख के पैकेज आसपास इनिशियली हो जाएगा आपका, अगर आपको 3 to 4 ईयर्स का अराउंड अराउंड एक्सपीरियंस, और अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक जॉब कर रहे हैं। एंड आपका सैलरी स्ट्रक्चर कंपनी पे भी डिपेंड करता है, कहीं आप स्टार्टअप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको 15 लाख भी मिल जाता है, या कोई MNC ज्वाइन करते हो वहाँ पे आपको 8 लाख मिल रहा होता है, या मिड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे आपको 10 लाख मिल रहा होता। तो आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है मोटा मोटा वो डिपेंड करता है आपके कंपनी पे भी। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।